त्वरित समाचारों में अब बात महानगरों की। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों की हलचल दिखाते हैं आपको त्वरित महानगर में। दिल्ली के ओखला कंपोस्ट प्लांट के 300 से ज्यादा ड्राइवर और हेल्पर हड़ताल पर चले गए हैं। ये लोग कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तुरंत बढ़ा हुआ वेतन देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें 3 साल हो गए कंपनी में, लेकिन अब तक इन्हें बढ़ी तनख्वाह के साथ बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। इनके हड़ताल पर चले जाने से कूड़ा घर से नहीं उठा कूड़ा। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास सर्वेंट क्वार्टर में एक अधेड़ उम्र के शख्स की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्वेंट क्वार्टर पर गेट तोड़कर शव को कब्जे में लिया। शख्स की मौत कैसे हुई इसका पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि शख्स राष्ट्रपति सचिवालय में काम करता था। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बाद बीएमसी के बड़े अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुंबई के मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर ने कहा है कि आपातकालीन स्थितियों की तैयारी में जुटी है बीएमसी, लेकिन जगह जगह मेट्रो के काम के चलते अगर मुंबई में पानी भरता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। मुंबई में भारी बारिश के चलते रेल पटरियों पर भी पानी भर रहा है। बताया जा रहा है कि जलभराव के चलते 10 से 15 मिनट देरी से चली मुंबई लोकल प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करते नजर आए यात्री। कोलकाता एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते गो एयर विमान ने उड़ान भरते ही रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की, जिसके चलते यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विमान में 161 यात्री सवार थे, जो पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए दूसरा विमान उपलब्ध कराए जाने की मांग कर रहे थे। रजनीकांत के लिए दीवानगी लोगों ने सपने देखी है, लेकिन कुत्ते के लिए ऐसी दीवानगी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। रजनीकांत की हाल ही में रिलीज फिल्म काला में जिस कुत्ते मणि ने काम किया है उसे 2 करोड़ रुपए तक खरीदने के लिए फैंस तैयार हैं। काला फिल्म में इस कुत्ते के रोल के लिए डायरेक्टर ने 30 कुत्तों को रिजेक्ट करने के बाद मणि को ये रोल दिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।